Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are still in the continuation of the last class topic, that is features of economic policy pursued under the planning till 1991. कल हमने चार टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, विच वर कम्प्लीटली इंडस्ट्री बेस्ड, राइट? कि पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया था, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस वर गिवन द प्रायोरिटीज, प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे इंकरेज किया गया था, तो इट वॉज कम्प्लीटली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. आज जो फीचर्स की हम बात करेंगे, दे आर रिलेटेड टू द फॉरेन मार्केट्स. स्टूडेंट्स, आई वांट टू शेयर वन थिंग. इंडियन इकोनॉमी जो है, अपनी वल्नरेबल स्टेट से जब ब्रिटिशर्स उसे छोड़ के गए थे, उसको उससे रिवाइव करने में बहुत टाइम लगा था. तो देर वॉज लिटिल यू नो एप्रीहेंशन ऑफ फॉरेन फॉरेन मार्केट, कि अब जो है कि इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट इन अ स्टेट टू टेक द रिस्क, वो फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फॉरेन कंपनीज को दोबारा इंडिया में आने दें. बिकॉज यू नो रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था बहुत मुश्किल से, आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 200 गुड ईयर्स. तो देर वॉज लिटिल यू नो एक डर था, एक रिस्क था कि अगर दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन कॉम्पिटिशन को या फॉरेन कैपिटल को इन्वाइट किया जाएगा तो फिर से कहीं रिस्क ना हो टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी. तो इसलिए यू नो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई. तो 1951 से लेकर 1991 तक देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट वर इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ यू नो इम्पोर्टेड गुड्स. तो सबसे पहला जो फीचर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोकस ऑन सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट. इंडियन इकोनॉमी ने टू एक्सेलरेट द ग्रोथ, दे यू नो फोकस्ड ऑन द you know to persuade savings and investment in the economy. ज़्यादा से ज़्यादा interest rates दिए जाते थे अगर मतलब आप savings की तरफ indulge होते हैं, और investments को promote करने के लिए subsidies और capital grants दिए जाते थे, क्योंकि किसी भी economy को अगर strong करना है, अगर उसको revive करना है, growth की तरफ लेके जाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है साइमल्टेनियसली जितना अर्न कर रहे हैं उसको सेव भी करते चले, और उन्हीं सेविंग्स में से कुछ पोर्शन में आप फर्दर उसको इन्वेस्ट भी करते चले, तभी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर पाती है. अगर हम अपने नॉर्मल रूटीन में भी देखें, अगर वी आर अर्निंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जितना अर्न करते हैं उसमें से कुछ हम सेव करें, और उसी सेविंग में हम आगे जाके जो है फर्दर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है और बढ़ जाए. सेम इज द केस विद एनी इकोनॉमी. एक इकोनॉमी जो है अपने आप स्ट्रांग हो जाती है अगर उसका सेविंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. ठीक है, अगर सेविंग्स अच्छी होंगी तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ऑफ अर्निंग मोर वो भी बढ़ जाता है. तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया. दे यू नो इनवाइटेड पीपल दे यू नो बाय मेकिंग मोर एंड मोर सेविंग्स, जिससे बैंक में उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिए जाते थे, जिससे जो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेव करें, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करें, और फर्दर बिजनेसमैन के लिए को प्रमोट किया जाता था कि वो फर्दर और इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको कैपिटल ग्रांट्स दिए जाते थे, सब्सिडीज दी जाती थी, टैक्स से रिलैक्स कर दिया जाता था कई कई एरियाज में, जिनकी वजह से जो है वो फर्दर अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सके. सो दैट वॉज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. सो एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्लास, कि इंडियन इकोनॉमी वॉज यू नो एट द स्टेज ऑफ रिस्क. They didn't wanted to take that risk of you know inviting the foreign competition to India. तो domestic industry को पूरी तरीके से protect किया गया था from the foreign competition. किस तरीके से protect किया गया? सबसे ज़्यादा foreign competition किस form में आता है? जब आप imported products जो हैं मंगवाते हो बाहर से ज़्यादा imported products आते हैं, तो आपकी domestic industry जो है वो कहीं ना कहीं effect होती है, क्योंकि आपके अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी. तो सबसे पहले उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगानी स्टार्ट करी, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगी, और क्वांटिटी के बेसिस पे भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि मिनिमम या मैक्सिमम बस इतना ही हम जो है प्रोडक्ट्स और गुड्स जो है वो बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वॉज फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो उस टाइम पे गुड्स इम्पोर्ट किए जाते थे, क्योंकि वी वर नॉट इन फेवर ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिशन, और हमें फॉरेन गुड्स नहीं ज़्यादा लेकर आने थे मार्केट में, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की मार्केट खराब हो सकती थी. इसलिए इंडियन इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि जो गुड्स हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम सेल्फ सफिशियंट हो जाएं, क्यों ना वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम खुद मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करें, खुद प्रोड्यूस करें, ताकि बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े. तो बेसिक आइडिया वॉज टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशियंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली कंट्रोल एंड रेगुलेट किया गया था थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ये एक्ट भी अब अबॉलिश हो चुकी है, इसकी जगह दूसरी एक्ट आ गई थी, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना लेके लोन्स को प्रेफर किया जाता था, कि जब भी इकोनॉमी में पैसे की जरूरत होती थी और हमें बाहर से फाइनेंशियल एड लेनी होती थी तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम्स विद ओनरशिप. अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट करवाओगे तो ही विल डिमांड दी ओनरशिप. तो वी वर नॉट इन दैट स्टेट कि हम फॉरनर्स को ओनरशिप दे सके, इसलिए हम उनसे लोन ले लेते थे, बट हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्रमोट नहीं करते थे. तो इसलिए फॉरेन कैपिटल की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी. इट वॉज बेसिकली टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का फिर से कंट्रोल ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट सफर करे. इसलिए फॉरेन कैपिटल को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया था. इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ यू नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दे यूज टू गिव प्रायोरिटीज फॉर लोन्स, कि आप लोन्स ले सकते हैं बाहर के इंडिविजुअल से, बाहर के बिजनेसमैन से काम करने के लिए, बट इट्स बेटर यू शुड नॉट टेक द इन्वेस्टमेंट, यू शुड नॉट इम्प्लाई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम्स विद द स्टेक ऑफ ओनरशिप. लास्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज प्लानिंग. जितनी भी प्लानिंग उस टाइम पर की जा रही थी वो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ या जो भी हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके पर्सपेक्टिव को लेके की जाती थी. तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब जो सेंट्रल प्लानिंग, जो सेंट्रल अथॉरिटी ने जो प्लान किया था, उसके अलावा जितनी भी स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनकी प्लानिंग को भी अलाइन किया गया था, कि जितने भी प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थे एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए थे वहाँ की गवर्नमेंट से, दे वर ऑल अलाइन टुवर्ड्स दी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ जो है वो स्टेट लेवल का जो भी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं कॉन्ट्रडिक्ट ना करे. देर शुड नॉट बी एनी यू नो फॉल्सिफिकेशन और यू नो कॉन्ट्रडिक्शन टुवर्ड्स दी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सेंट्रल इकोनॉमी. और ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ जो है, जो 5-year प्लान्स में स्पेसिफाई की गई है, वो हैम्पर ना हो, वो हिंडर ना हो. इसलिए अलाइनमेंट की जाती थी कि स्टेट लेवल पे जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जितने भी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे शुड बी इन दी कोऑर्डिनेशन विद दी सेंट्रल प्लानिंग. जो हमारे जो 5-year प्लान्स हैं वो उसके साथ कोऑर्डिनेट होने चाहिए, मैच होने चाहिए, ना कि कॉन्ट्रडिक्ट होने चाहिए. So these were the features of the economic policy till 1991. हमने अभी जो features cover किए हैं they are known as pre features of 1991. ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे that will be the success of planning. इतनी planning करने के बाद, इतनी policies implement करने के बाद, कहाँ हम to what extent we have you know reached up to success. So we are going to discuss that in the next topic. And that is all for today. I need to make an important announcement, students. In case if you have any difficulty, please contact your teachers through WhatsApp और अपने doubts जो हैं simultaneously clear करते चलिए, क्योंकि last में अगर एक साथ doubts accumulate करके पूछेंगे तो आपको ही problem होगी. अपने basics जो हैं साथ साथ clear करते चलिए, ताकि further आने वाले topics आपको और अच्छे से समझ में आए. तो जब भी हम वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, आप उसी दिन शाम को बिटवीन 5 to 6 यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप एंड यू कैन डिस्कस योर डाउट्स विद अस. थैंक यू.